So friends, we were doing the fourth chapter of fourth standard science subject, and the name of our chapter is plants in the surrounding and environment. So last video में हमने shoot topic start किया था, जिसमें हमने जो first important और main part है stem उसे study किया था, and इस video में हम देखने वाले leaf के बारे में. So let's see what is the role of leaves. So leaves are called the kitchen or food factory of the plant because they prepare food for the plant using water, air and sunlight in the presence of a green pigment called chlorophyll. So yahan dekhiye jo leaves hai ise hum kitchen bhi kehte hain ya fir food factory of plant bhi kehte hain. फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो लीव्स हैं वो प्लांट्स के लिए फूड बनाती हैं. जैसे हमारे घर में फूड कहाँ बनता है? ऑफ कोर्स जो फूड होता है वो किचन में बनता है, इसीलिए लीव को हम किचन कहते हैं. सो जो लीव है वो वाटर को यूज करता है जो सॉइल से मिलता है, देन एयर जो सराउंडिंग में है, एंड जो सनलाइट, इन तीनों के हेल्प से. एंड ऑल्सो लीफ में ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट रहता है जिसके कारण लीव्स ग्रीन कलर के होते हैं, उसे हम कहते हैं क्लोरोफिल. क्या कहते हैं? क्लोरोफिल. पिगमेंट यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके कारण लीव ये ग्रीन कलर का होता है, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल. और जिस लीव में, जिस प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं हो वो लीव्स ग्रीन कलर के नहीं होते. ओके, तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वाटर, एयर एंड सनलाइट, इन तीनों के हेल्प से लीफ ये प्लांट के लिए फूड बनाते हैं. ऑब्जर्व अ लीफ क्लोजली. सो ईच लीफ हैज अ फ्लैट ब्रॉड पार्ट कॉल्ड लैमिना और लीफ ब्लेड. सो देखिए, यहाँ अभी हम लीफ के बारे में तो हमने देख लिया कि लीफ कितना इंपॉर्टेंट होता है. अब हम देखेंगे कि लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है. सो जब आप लीफ को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि जो लीफ का सरफेस है वो बहुत ही फ्लैट है एंड ब्रॉड है. ब्रॉड यानी कि बड़ा. देखो ये फ्लैट है, राइट, ऐसे फ्लैट है एंड ब्रॉड है. देखो ये ब्रॉड है, ओके. और इसे हम कहते हैं लैमिना. इसे क्या कहेंगे? लैमिना या फिर लीफ ब्लेड. इस पूरे पार्ट को हम, सरफेस को हम लैमिना कहेंगे या फिर हम कहेंगे लीफ ब्लेड. इन द सेंटर इट हैज अ मेन वेन और मिड रिब फ्रॉम विच मेनी साइड वेन्स अराइज. सो देखो, लैमिना तो देख लिया एंड लीफ के सेंटर में एक मेन वेन रहता है. ये देखो, इसे हम मेन वेब वेन कहते हैं या फिर मिड रिब कहते हैं. ओके, तो ये जो मेन वेन है या फिर मिड रिब है, इसके साइड में और बहुत सारी वेन्स होती है. इसके साइड में और बहुत सारी वेन्स होती है. ओके, सो दिस इज अ मिडरिब या फिर आप इसे कहोगे मेन वेन. ओके, एंड इसके साइड में आप देख सकते हो ये उसके साइड वेन्स है. ओके, नाउ दिस वेन्स कैरी वाटर एंड फूड. सो देखो, ये जो वेन्स है ये पूरे लैमिना तक, ये पूरे लैमिना में, पूरे लीफ में जो फूड है एंड वाटर है वो कैरी करती है. तो ये ट्यूब की तरह एक्ट करती है, हम कह सकते हैं. ये देखो, क्योंकि इस वेन्स के थ्रू वाटर एंड जो फूड है वो पूरे लीफ में ट्रांसफर होता है. द लीफ स्टॉक और पिटियोल अटैच द लीफ टू द ब्रांच और अ स्टेम. सो देखो, ये पिटियोल है, इसे हम क्या कहेंगे? पिटियोल या फिर लीफ स्टॉक. लीफ स्टॉक कहते हैं या फिर हम इसे कहेंगे पिटियोल. और ये लीफ को अटैच करता है स्टेम से या फिर ब्रांच से. अगर लीफ ब्रांच को डायरेक्टली अटैच है तो ब्रांच से करेगा, एंड अगर लीफ ये स्टेम को अटैच है तो फिर पिटियोल जो है वो लीफ को स्टेम से अटैच करेगा. ओके, सो दिस लाइन या फिर ये जो स्टिक है इसे हम कहेंगे पिटियोल. ओके, द अंडर साइड, द अंडर साइड ऑफ लीव कंटेन टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा विच हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ. ओके, सो देखिए,
हम जैसे नोज से ब्रीथ करती है, प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं, उन्हें भी ब्रीथिंग करनी है. सो लीव्स में होते हैं टाइनी पोर्स. टाइनी पोर्स यानी कि टाइनी होल्स रहते हैं. क्या रहते हैं? टाइनी होल्स रहते हैं. और उन होल्स को हम कहते हैं स्टोमाटा. उन होल्स को हम क्या कहते हैं? स्टोमाटा. और स्टोमाटा की हेल्प से जो लीव्स है, देखो यहाँ इस सर्कल में देखो कैसे गैप्स है, तो इन्हें हम कहते हैं स्टोमाटा. और स्टोमाटा की हेल्प से लीव्स ब्रीथिंग करते हैं, यानी कि एयर इन लेते हैं, एयर एक्सहेल करते हैं. प्लांट्स शो अ वाइड वैरायटी इन शेप साइज एंड टाइप्स ऑफ लीव्स. दे भी है यहाँ ऑफकोर्स, ये तो इम्पोर्टेंट है कि प्लांट्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट लीव्स रहेंगे. एंड जिसके कारण हमें बहुत वैरायटी यानी कि अलग अलग टाइप के शेप्स देखने को मिलेंगे, साइजेस देखने को मिलेंगे लीव्स के. राइट, सो लीव को हम क्या कहते हैं? लीव इज द किचन और फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट. लीव में लैमिना होता है, लैमिना के बाद ये होता है मिड रिब. इसे हम क्या कहते हैं? मिड रिब. ओके, मिड रिब. एंड बाद में मिड रिब में ही डिफरेंट डिफरेंट अलग वेन्स होते हैं जो फूड एंड वाटर ट्रांसफर करते हैं पूरे लीव तक. देन वी हैव पिटियोल जो लीव एंड स्टेम को या फिर ब्रांच को अटैच रखता है. देन वी हैव दिस इज ब्लेड. इसे हम क्या कहेंगे? लीव ब्लेड. ओके, ये जो कॉर्नर है इसे हम लीव ब्लेड कहते हैं या फिर लीव मार्जिन भी आप कह सकते हो. सो देखिए ये वेन्स है और स्मॉल नेटेड वेन्स. तो इनसे और छोटे छोटे जो वेन्स आएंगे उन्हें हम स्मॉल नेटेड वेन्स भी कह सकते हैं. ये होता है स्टोमाटा जिससे लीव करते हैं ब्रीथिंग. तो अभी हमने लीव के बारे में देखा, अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ लीव. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लीव इज टू मेक फूड फॉर द प्लांट यूजिंग वाटर. अगेन रीड करेंगे. The most important function of a leaf is to make food for the plant using water. Then we have minerals, carbon dioxide, sunlight and chlorophyll. So, देखिए सबसे important function leaf का क्या होता है? सबसे important function leaf का होता है कि वो plant के लिए food बनाए. Right? वो plant के लिए food बनाए. तो किसे यूज करके? वाटर को यूज करके जो स्टेम लीफ तक पहुंचाएगा, मिनरल्स जो सॉइल से जो रूट्स एब्जॉर्ब करेंगे एंड रूट से स्टेम एब्जॉर्ब करेगा. देन कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में जो हम एक्सहेल करते हैं वही प्लांट इनहेल करते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट एंड द क्लोरोफिल. तो इन सभी के हेल्प से जो लीफ है वो अपना फूड बनाता है. देन While making food, leaves give out a gas called oxygen. So yes, it is very important. So जब food बनता है, देखो food बनने के बाद जो leaf है वो इन सभी का use करके food बनाता है. ठीक है, so food बनने के बाद जो leaf है वो water and oxygen इसे give out करता है, यानी कि इन gases को इन waters को ये बाहर निकालता है. So जब leaf फूड बना लेती है तो उसमें हमें क्या मिलता है? वाटर एंड ऑक्सीजन. एंड ऑक्सीजन इज इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो यस, सो अगर आप प्लांट्स को अच्छे से वाटर दोगे एंड अच्छे सनलाइट में रखोगे तो लीव अपने आप फूड बना देगा एंड वो फूड बनाने के बाद जो ऑक्सीजन है उसे बाहर आउट करेगा, बाहर गिव आउट करेगा, यानी कि एटमॉस्फेयर में वो ऑक्सीजन स्प्रेड करेगा. और जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट जो प्लांट है उसे प्लांट करना चाहिए. राइट, सो लीव्स ऑल्सो गिव आउट एक्स्ट्रा वाटर प्रेजेंट इन प्लांट. सो यस, देखो फूड बनाने के बाद जो लीव्स है वो वाटर भी देते हैं. तो इसीलिए जो प्लांट है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, सिर्फ क्योंकि वो हमारे वो उनके वर्क के बाद वो हमारे लिए भी ऑक्सीजन को लीव करते हैं, यानी कि
जो प्लांट्स है उनके कारण ही हम सर्वाइव होते हैं, राइट। इसीलिए प्लांट्स को हमें बहुत ज्यादा प्लांट्स को हमें प्लांट करना चाहिए। सो एंड द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ लीव इज इन सम प्लांट्स लीव चेंज इनटू स्पाइन्स टू कंजर्व वाटर। सो देखिए कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें जो लीव्स है वो स्पाइन्स यानी कि कांटों में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें जो लीव है वो कांटों में कन्वर्ट हो चुके हैं, जैसे कि कैक्टस। कैक्टस में एक बड़ा स्टेम रहता है एंड जो स्पाइन है यानी कि जो कांटे हैं वो कैक्टस के लीव्स होते हैं जिसमें वाटर स्टोर रहता है, जिसमें वाटर स्टोर रहता है। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम एनिमल दैट ट्राई टू ईट देम। और ये जो लीव्स हैं ये प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं कि एनिमल्स उनको ईट ना कर ले, एनिमल्स उनको खा ना ले। इसीलिए प्लांट्स जो है उनकी हेल्प होती है बिकॉज वो स्पाइन की शेप होते हैं यानी कि वो ऐसे कांटों की तरह होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस, देखिए जैसे एग्जाम्पल है कैक्टस। सो कैक्टस एक ऐसा प्लांट है जिसमें जो लीव है वो किसमें कन्वर्ट हो चुके होते हैं, स्पाइन। तो इसी तरीके से हमने लीव का जो फंक्शन है वो देखा कि लीव ये लीव ये फूड बनाता है प्लांट्स के लिए, राइट। एंड ये फूड बनाने के बाद ऑक्सीजन हमारे लिए लीव करता है एंड ऑल्सो जो वाटर है एक्स्ट्रा वाटर वो भी वो बाहर रिमूव कर लेता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फोटोसिंथेसिस। सो लेट्स सी ये फोटोसिंथेसिस होता क्या है। द प्रोसेस इन विच plants use sunlight to convert water, carbon dioxide and minerals. So, देखो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स ये सनलाइट को यूज करते हैं एंड सॉरी द प्रोसेस इन विच प्लांट्स यूज सनलाइट टू कन्वर्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स इन टू फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ओके, सो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स ये सनलाइट की हेल्प से वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स को कन्वर्ट करते हैं उनके फूड में, इसीलिए उस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। यानी इसीलिए हम कहते हैं जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है यानी कि जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाती है using water, carbon dioxide, minerals, right? So this process is known as photosynthesis. देखो यहाँ picture दिया है, हम read करेंगे कि photosynthesis process कैसी होती है, process of photosynthesis. So, the plant draws up water and minerals from the ground through roots. The plant draws up water and minerals from the ground. ओके, तो ये जो प्लांट है ये ड्रॉज अप यानी कि वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो प्लांट है वो वाटर एंड मिनरल ग्राउंड से सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए प्लांट ये एब्जॉर्ब कर रहा है। देन द लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड रिलीज ऑक्सीजन। सो जो सेकेंड प्रोसेस है लीव्स अपना फूड अपना खाना बनाते हैं एंड खाना बनाने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं खाना बनाने के लिए और जैसे ही खाना बन गया तो वो ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और दूसरी साइड से वो ऑक्सीजन रिमूव करते हैं। देखिए सनलाइट भी हेल्प करते हैं, तो मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर सनलाइट फ्रॉम सन एंड वी ऑल्सो हैव वाटर फ्रॉम द रूट्स। इन सभी को वो एब्जॉर्ब करते हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। देन लीव्स गेट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। यस, सनलाइट से लीव्स को क्या मिलती है, एनर्जी। सनलाइट से लीव्स को मिलती है एनर्जी। हम धूप में खड़े रहे तो सनलाइट हमारी एनर्जी ले लेता है, सन हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, बट जो प्लांट है उन्हें सन से एनर्जी मिलती है। तो ये ऐसी प्रोसेस होती है प्लांट और एनिमल्स की, जो दो डिफरेंट प्रोसेस है। तो आपको समझ में आ गया होगा फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस होती है। पहले वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करो रूट से, देन अपना फूड बनाओ यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट वाटर एंड मिनरल।
एंड देन खाना बनाने के बाद स्टेम ने सारे पार्ट्स को फूड अच्छे से पहुंचा दिया, तब बाद में ऑक्सीजन रिलीज होता है। अब हम देखेंगे फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट। तो फूड कैसे प्रिपेयर होता है, इन ब्रीफ वी विल स्टडी। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर और ग्लूकोज। तो देखिए जो प्लांट है वो अपना फूड कैसे क्या बनाते हैं, सिंपल शुगर और ग्लूकोज ये उनका खाना होता है। सो हम सोचते हैं कि प्लांट का खाना क्या होता है, तो प्लांट का खाना जो होता है वो होता है सिंपल शुगर या फिर जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। देन प्लांट्स यूज ग्लूकोज फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो देखो प्लांट ये ग्लूकोज यूज करते हैं, यानी कि ये उनके फूड को यूज करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, यानी कि वो बढ़ सके अच्छे से, इसीलिए वो फूड दैट इज ग्लूकोज का यूज करते हैं। एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और जो एक्स्ट्रा फूड है यानी कि लीफ ने फूड बना लिया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पर जो एक्स्ट्रा फूड है वो बाद में स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, यानी कि पहले ग्लूकोज था और बाद में वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो गया। इट इज स्टोर्ड इन प्लांट पार्ट्स लाइक लीव, स्टेम और रूट। तो देखो जो प्लांट जो फूड है वो किसमें स्टोर होता है, जो फूड जो एक्स्ट्रा फूड है यानी कि स्टार्च है वो किसमें स्टोर होता है, लीव्स में, स्टेम में एंड रूट्स में। सो वी ईट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन विच फूड इज स्टोर। सो अब देखो खाना तो बन गया प्लांट्स का, एंड जो एक्स्ट्रा खाना है वो स्टोर करके रखते हैं, और ये जो स्टोर खाना है हम ऐसे पार्ट्स जो फूड को स्टोर करते हैं हम ऐसे पार्ट्स को खाते हैं। जैसे कि स्टेम ये फूड को जब स्टोर करता है तो हम उसे खाते हैं, जैसे कि पोटैटो, राइट। देन वी हैव रूट, रूट को भी हम खाते हैं जो फूड को स्टोर करता है, जैसे कि वी हैव कैरोट, वी हैव, देन वी हैव बीटरूट, राइट, ये भी एक रूट है उसे भी हम खाते हैं, राइट। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्ट्स होते हैं प्लांट के जो फूड स्टोर करते हैं, और हम उन पार्ट्स को खाते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी हेल्दी। सो ये आपके लिए क्वेश्चन दिया है, इसलिए पढ़िए। नेम एनी टू लीव, स्टेम एंड रूट दैट वी ईट। सो आपको ऐसे कोई टू लीव्स बताने हैं जो हम खाते हैं, ऐसे टू स्टेम्स बताने हैं जो हम खाते हैं, एंड ऐसे टू रूट्स बताने हैं जो खाते हैं। स्टेम्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया था, पोटैटो खाते हैं, राइट। तो ऐसे ही आपको लीव्स, रूट्स के बारे में, स्टेम के बारे में यहाँ पे लिखना है, ओके। देन तो अभी हमने फंक्शन ऑफ लीव्स भी देख लिया, एंड जो प्रोसेस परफॉर्म करते हैं दैट इज फोटोसिंथेसिस, वो भी हमने देख। नाउ हियर वी हैव अनदर एक्टिविटी विच इज एक्शन टाइम टू। इसे हम क्या कहेंगे, एक्शन टाइम टू। सो एम to test the presence of starch in the green leaves. Okay, so अब हम ये चेक करने वाले हैं कि जो लीव्स है वो एक्स्ट्रा फूड कैसे और कहाँ स्टोर करते हैं। सो वॉट आई नीड, हमें क्या क्या चाहिए, बीकर चाहिए, बीकर, देन वी हैव स्टैंड चाहिए जिससे हम बीकर रखें, टेस्ट ट्यूब चाहिए, टेस्ट ट्यूब होल्डर चाहिए जिससे हम टेस्ट ट्यूब पकड़ते हैं, वाटर चाहिए, अ फ्रेशली फॉलन लीव यानी कि ग्रीन लीव्स चाहिए, एंड देन आयोडीन चाहिए, एंड देन हमें चाहिए अल्कोहल। सो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए अगर आपको ये एक्टिविटी करनी है तो। सो अब ये सारी चीज़ें यहाँ दी हैं, सो व्हाट टू डू, अभी हमें प्रोसेस करना क्या है। टेक अ ग्रीन लीव एंड बॉइल इट इन वाटर। सो सबसे पहले हमें ग्रीन लीव लेना है जिसे हमें इस बीकर में रख के वाटर में बॉइल करना है, बॉइल करना यानी कि उबालना है, ओके। देन बॉइल द लीव इन अल्कोहल, देन हमें करना है जो लीव है उसे हमें अल्कोहल में भी बॉइल करना है। तो सबसे पहले आप किसमें बॉइल करोगे, वाटर में, देन सेकेंड आपको अल्कोहल में बॉइल करना है। देखिए टेस्ट ट्यूब में लीव रखा है, देन
wash the leaf in cold water and उसके बाद आपको जो वाटर है उसे कोल्ड वाटर में वॉश कर लेना है। पहले वाटर के साथ बॉइल करो, फिर अल्कोहल के साथ, एंड फिर कोल्ड वाटर से उसे वॉश कर लो। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन, एंड देखिए कुछ ड्रॉप्स आयोडीन की डालिए, एंड द लीव टर्न्स ब्लू ब्लैक, एंड जो लीव रहेगा वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो चुका होगा, यानी कि जो लीव है उसका कलर कैसा होगा, ब्लू एंड ब्लैक, ब्लू ब्लैक। सो द ब्लू ब्लैक कलर, यानी कि जो डार्क ब्लैक हम कह सॉरी डार्क ब्लू हम कह सकते हैं, बट उससे थोड़ा ज्यादा ब्लू वो हो जाता है, इसीलिए उसे ब्लू ब्लैक कलर कहा है। सो द ब्लू ब्लैक, द ब्लू ब्लैक कलर शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्स इन ग्रीन लीव। सो जब लीव ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा, इसका मतलब जो लीव है उसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा, यानी कि जो स्टोर किया हुआ फूड है वो प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से आपको लीव की एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। देन वी हैव नेक्स्ट एक्शन टाइम थ्री। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन टाइम थ्री, यानी कि जो थर्ड एक्टिविटी है उसे। एम टू टेस्ट दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। सो अभी हमें ये देखना है कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए, यानी कि लीव्स को अगर खाना बनाना है तो खाना बनाने के लिए क्लोरोफिल इम्पॉर्टेंट है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है वो हमें देखना है। सो अगेन वी हैव व्हाट आई नीड, हमें किन किन की जरूरत लगेगी, कोलेस कोलेस और एनी फ्रेशली पॉलन लीव, या फिर कोई भी जो एक फ्रेशली ग्रीन कलर का लीफ रहेगा जो ट्री से अभी अभी जस्ट गिरा है उसे आप ले सकते हो। हमें चाहिए होगा वाटर, अल्कोहल, आयोडीन ड्रॉपर एंड टेस्ट ट्यूब होल्डर, देन वी हैव टेस्ट ट्यूब होल्डर, देन वी हैव बीकर बर्नर एंड स्टैंड। सो हमें यहाँ चाहिए एक ग्रीन लीफ चाहिए, वाटर चाहिए, अल्कोहल चाहिए, आयोडीन चाहिए, ड्रॉपर चाहिए, टेस्ट ट्यूब होल्डर चाहिए, बीकर बर्नर एंड स्टैंड। तो ये सारी चीजें आपको सबसे पहले कलेक्ट करनी है। सो इन सभी के हेल्प से हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। सो व्हाट टू डू, सो करना क्या है देखिए, टेक अ लीफ विद ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पोर्शन। सो आपको एक ऐसा लीफ लेना है जिसमें ग्रीन कलर हो एंड थोड़ा सा नॉन ग्रीन कलर भी हो। देखो ऐसा, ये एक ऐसा लीफ है जिसमें ग्रीन कलर नहीं, येल्लो एंड ग्रीन कलर है, तो आपको ऐसा कुछ लीफ लेना है। नेक्स्ट स्टेप, बॉइल द लीफ इन वाटर। सो बाद में आपको इस लीफ को वाटर में बॉइल करना है। बाद में आप इस लीफ को क्या करोगे, वाटर में बॉइल करोगे। देखो यहाँ स्टैंड है एंड यहाँ बर्नर है, बर्नर आप ऑन करोगे तो ये बॉइल होने लगेगा। बॉइल द लीफ इन अल्कोहल। सो सबसे पहले आपने वाटर में बॉइल किया, बाद में अल्कोहल में बॉइल करना है। देन वॉश द लीफ इन कोल्ड वाटर, सेम स्टेप जैसे ऊपर की वैसी करनी। तो फिर आपको इसको कोल्ड वाटर में वॉश करना है, एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन, देन आपको कुछ ड्रॉप्स आयोडीन के ऐड करने, सेम जैसे हमने ऊपर किया वैसे यहाँ भी करना है। द पैचेस दैट वेयर ग्रीन टर्न ब्लू ब्लैक। सो देखो ओ, सो जो ग्रीन कलर की पैच, जो ग्रीन कलर का एरिया था उस पे ब्लू ब्लैक कलर के पैचेस आ चुके हैं। यहाँ देखो यहाँ ग्रीन कलर का है, यहाँ देखो यहाँ ब्लू कलर का हो गया। सेम एक्टिविटी परफॉर्म की, देखो डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट आए बिकॉज हमने यहाँ डिफरेंट डिफरेंट एम सेम आई। सो ओनली द ग्रीन पोर्शन शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, राइट। तो देखो दोनों ही एक्टिविटी से हमें समझ में आता है कि जो ब्लू ब्लैक पोर्शन हुआ है उसे उसमें क्या है, स्टार्च। Therefore, क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसीलिए क्लोरोफिल नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, बिकॉज क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल ये लीव्स को ग्रीन कलर देता है, राइट। और जो लीव ग्रीन है उसमें ही फूड स्टोर्ड रहेगा, इसीलिए क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ओ न्यू इन्फॉर्मेशन, अभी तक तो हमें क्लोरोफिल लगा सिर्फ कलर के लिए, बट क्लोरोफिल का तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये वही लीफ तो फूड स्टोर करता है जो हम ईट करते हैं, राइट। सो इट इज वेरी नेसेसरी।
नाउ हियर वी हैव एक्शन टाइम 4, फिर से एक्टिविटी है, चलिए रीड करते हैं. एम टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर प्लांट टू मेक फूड. ओके, अब हमें बताना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स के लिए नेसेसरी है उनके फूड बनाने के लिए. सो व्हाट आई नीड, तो सबसे पहले उन्हें क्या चाहिए, प्लॉटेड प्लांट. क्या चाहिए, प्लॉटेड प्लांट. फ्रेशली फॉलन लीव, एक लीव जो अभी अभी नीचे गिरा है यानी कि ग्रीन कलर का. वैसलीन एंड आयोडीन चाहिए. सो ये नॉर्मली हमारे घर में सारी चीजें रहती हैं. सो व्हाट टू डू, सो क्या करना है, देखिए, टेक अ फ्रेशली फॉलन ग्रीन लीव ऑफ द पॉटेड प्लांट. सो जो पॉटेड प्लांट है यानी कि ऐसा प्लांट जिसको पॉट में रखा गया या फिर जिसको प्लांट किया है, उस प्लांट का एक लीव लीजिए. ठीक है, कवर बोथ साइड ऑफ द लीव विथ वैसलीन. तो वो जो लीव है जो आपने अभी 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 गिरा है, उस लीव के दोनों ही साइड पे आप वैसलीन अच्छे से लगा दीजिए. कीप द लीव इन द ओपन फॉर 2 to 3 days. और उस लीव को आपको 2 to 3 days के लिए ऐसे ही रख लेना है बाहर. टेस्ट द लीव फॉर स्टार्च. सबसे पहले उस लीव में स्टार्च है यानी वो चेक कीजिए. जो प्रीवियस प्रोसेस थी वही आपको करनी है. ऑल्सो टेस्ट अनादर लीव फ्रॉम द सेम प्लांट फॉर अ स्टार्च. एंड आपने जैसे चेक कर लिया कि उस प्लांट में उस लीव में स्टार्च है या नहीं, तो फिर से आपको एक दूसरा लीव लेना है सेम प्लांट से एंड चेक करना है कि उसमें स्टार्च है या नहीं. सेम प्रोसेस आप करोगे, पहले बॉइल करोगे, फिर अल्कोहल में, देन वॉश विथ वाटर, देन आयोडीन के कुछ ड्रॉप, एंड देन यू विल गेट द रिजल्ट. देन विच लीव शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एंड व्हाई. तो देखिए कौन सी लीव ये स्टार्च का प्रेजेंस शो करती है और ऐसा क्यों होता है, ये आपको बताना है. तो देखिए जब आप ये प्रोसेस करोगे तो आपको क्या पता चलेगा. ऑब्जर्वेशन, द लीव दैट वॉज कवर्ड विथ वैसलीन डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक ऑन द एडिशन ऑफ आयोडीन. सो देखिए हमें ऑब्जर्वेशन करने के बाद क्या पता चला, जो लीव को हमने वैसलीन से कवर किया था जिसे हमने 2 to 3 days के लिए बाहर रखा था, वो लीव उसने अपना कलर जो ब्लू जो ग्रीन कलर है वो ब्लू ब्लैक में चेंज नहीं किया जब हम उसमें आयोडीन ऐड करते हैं. तो दिस हैपेंस बिकॉज वैसलीन ब्लॉक्स द स्टोमाटा ड्यू टू विच कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट एंटर द लीव. तो ये ऐसा इसलिए होता है, उसमें स्टार्च इसलिए नहीं दिखता क्योंकि जो वैसलीन है वो उसे हमने लगाया था, राइट, उसे हमने कवर किया था और वैसलीन ये स्टोमाटा को बंद कर देती है यानी कि जो होल्स है वो पूरे वैसलीन से क्लोज हो जाते हैं जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड ये स्टोमाटा से या फिर लीफ में नहीं चला जाता जिससे खाना नहीं बनता और खाना नहीं बनने के कारण खाना स्टोर भी नहीं होगा. तो इसीलिए दिस डज नॉट लेट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हैपन. तो इसीलिए जो फोटोसिंथेसिस है यानी कि खाना बनाने की प्रोसेस है वो होती ही नहीं है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो इंग्रेडिएंट है वो आता ही नहीं है बिकॉज ऑफ वैसलीन. तो इसीलिए क्लोरोफिल भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज वो खाना स्टोर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज उससे ही खाना बनता है, राइट. तो ये दोनों ही चीजें इम्पोर्टेंट है और क्यों इम्पोर्टेंट है वो तो हमने अभी देख लिया. अभी हम देखेंगे और एक नेसेसरी इम्पोर्टेंट चीज जो एक्टिविटी रहेगी एक्शन टाइम 5 से. सो एम टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स टू मेक फूड. सो अब देखो, सो अब हम देखने वाले कि सनलाइट जो है वो प्लांट्स के लिए नेसेसरी है फूड बनाने के लिए. कार्बन डाइऑक्साइड देखिए हमने, देन अभी हम देखेंगे सनलाइट क्यों इम्पोर्टेंट है. व्हाट आई नीड, पॉटेड प्लांट यानी ऐसा प्लांट जो प्लॉट किया गया हो, देखो ऐसे पॉट में. देन थिन स्ट्रिप, एक थिन स्ट्रिप चाहिए, देखो ऐसे जैसे सेलोटेप टाइप. एंड और अ थिन स्ट्रिप ऑफ चार्ट पेपर, सॉरी अ
थिन स्ट्रिप ऑफ चार्ट पेपर की ऐसी थोड़ी सी पतली सी स्ट्रिप चाहिए हमें. सो ओनली दिस मच वी नीड, अ पॉटेड प्लांट एंड अ थिन स्ट्रिप. देन प्रोसीजर, प्रोसीजर मतलब हमें करना क्या है, वॉट वी हैव टू डू, दैट इज नोन एज प्रोसीजर. सो टेक अ पॉटेड प्लांट विथ ग्रीन लीव्स. सो हमें एक ऐसे पॉटेड प्लांट लेना है जिसकी ग्रीन कलर की लीव्स हो. सिलेक्ट अ बिग लीव फ्रॉम इट, और सबसे बड़ा जो लीव रहेगा उसे सिलेक्ट करो. टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ चार्ट पेपर, एक चार्ट पेपर की थिन स्ट्रिप लो. प्लेस द स्ट्रिप इन द मिडल ऑफ द लीव एंड रैप इट अराउंड द लीव. सो देखो जैसे पिक्चर में दिया है, उस थिन स्ट्रिप को चार्ट पेपर के लीव के एकदम मिडल में ऐसे बांध लेना है, रैप कर लेना है. नाउ लीव द प्लांट आउटडोर फॉर 24 आवर्स, और पूरे एक दिन के लिए यानी कि 24 आवर्स के लिए उस लीव को आउटडोर यानी कि घर के बाहर रखना है. आफ्टर दैट रिमूव द स्ट्रिप एंड प्लग द लीव. तो उसके बाद आपको जो लीव है उसे प्लग कर देना है यानी कि तोड़ लेना है, एंड उस स्ट्रिप को भी रिमूव कर लेना है. नाउ टेस्ट इट फॉर स्टार्च एज डन इन एक्शन टाइम टू. अगेन जो एक्शन टाइम टू में किया वैसे इस लीव को टेस्ट करो कि इसमें स्टार्च है या नहीं. ऑब्जर्व द लीव एंड डिस्कस योर फाइंडिंग. तो इस लीव जो लीव है उसमें जब आप स्टार्च है या नहीं चेक करोगे तो आपको रिजल्ट चेक करना है. तो चलिए बताइए अब तक हमने जो एक्टिविटीज की उससे आपको आइडिया लग गया होगा कि जब हम स्ट्रिप निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा. सो मे आई टेल, सो हियर वी हैव कि देखो लीव के ऊपर हमने चार्ट पेपर लगाया था जिससे सनलाइट वहां तक नहीं पहुंची, एंड फूड बनाने के लिए तो सनलाइट इम्पोर्टेंट रहती है, बट फूड बनाने के लिए सनलाइट इम्पोर्टेंट रहती है. तो यहाँ अगेन जो लीव है यहाँ फूड पहुंचा ही नहीं, इस लाइन पे इस स्ट्रिप के पोर्शन पे फूड पहुंचा ही नहीं, और जिसमें स्टार्च प्रोड्यूस होगा ही नहीं, इसीलिए स्टार्च वहाँ प्रोड्यूस होगा ही नहीं. तो बाकी का ग्रीन पोर्शन ये ब्लैक ब्लू से ब्लू ब्लैक हो जाएगा, पर ये जो स्ट्रिप वाला पोर्शन है ये कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ द चार्ट पेपर, बिकॉज वहां तक सनलाइट आई ही नहीं. तो इस तरीके से हमने लीव के बारे में, फंक्शन ऑफ लीव एंड ऑल्सो फूड बनाने के लिए जो नेचुरल थिंग्स है उनका क्या यूज है और वो कितने इम्पोर्टेंट है वो देख लिया है. अब हम नेक्स्ट वीडियो में और एक न्यू टॉपिक देखेंगे विच इज ट्रांसपीरेशन. यहाँ हमारे पास न्यू टॉपिक है ट्रांसपीरेशन. तो ये न्यू टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.